हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे नूर है ना, मेहंदी लगवा रही थी अपनी मम्मी से। तो जो रेड वाली मेहंदी होती है ना, जो तुरंत कलर दे देती है, तो ये वही वाली मेहंदी है। तो भाभी उसके हाथों में लगा रही थी, तो देखो कितने प्यारे उसके हाथ लग रहे हैं। और भी डिज़ाइन वो लगवाई थी दूसरे हाथ में, तो वो क्लिप मैं नहीं ले पाई, इतनी ही बना पाई हूँ वीडियो। तो ये शाम का टाइम था, हम लोग गए थे नूर मतलब मेहंदी लगवा ली। फिर उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ मेला। तो मेले का था लास्ट दिन। पहले यहाँ पे 30 रुपये टिकट लगती थी, जब इससे पहले मैंने शेयर किया था ना उस टाइम, और अब है ना लास्ट दिन था तो यहाँ 10 रुपये लग रही थी। तो शिफा और साइन बोले कि चलो आज घूम के आते हैं। तो मेला पूरा खाली था, मतलब भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं थी। इससे पहले जब मैं आई थी ना, बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी। तो यहाँ हम और शिफा खड़े हुए हैं, साहिन गई है टिकट लेने, गाड़ी पार्किंग में लगी। तो हम तीनों बहनें आए थे यहाँ पे घूमने, कोई भी नहीं आया। और मायके में मतलब बोलते ना, एक आज़ादी सी मिल जाती है। तो मैंने इनको भी नहीं कहा कि आप भी चलो घूमने, क्योंकि हम तीनों अकेले आए और सच में बहुत मज़ा किए थे, बहुत मस्ती किए थे। तो यहाँ पे हम लोग टिकट लेके अब जा रहे हैं अंदर। आगे की वीडियो है ना पूरी शिफा ने शूट की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं उसको कहीं भी जाती हूँ ना, मैं उसको मोबाइल पकड़ा देती हूँ, उसको काम देती थी हूँ कि ये तुम्हारा काम है वीडियो बनाना। तो उसने थोड़ा बहुत क्लिप ले ली थी, क्योंकि पहले मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जब मेला आई थी तो मैंने पूरा है ना शूट किया था। इस वजह से इस बार है ना मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाया, नॉर्मल ही दिखाया। तो ये देखो आप लोग कमेंट्स में बताना कि ये जो पूरा दिखाया जा रहा है कहाँ का व्यू है कहाँ का नहीं। तो यहाँ वीडियो है ना स्पीड में, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब जल्दी जल्दी से वो। तो ये देखो आप लोग पूरा ट्विन टावर वगैरह सब कुछ है। कमेंट्स बॉक्स में जो भी मेरी वीडियो देखेंगे उन्हें बताना है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ये देखो यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्ट इंटर हो गए अंदर, और खाली था ना तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। भरा हुआ है ना, जब मेला भरा था ना उस टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो अच्छा भी नहीं लगा था। तो ये देखो ये है सना। सना बुरका नहीं पहनती, पहले पहनती थी, मतलब जब जॉब नहीं करती थी ना तब पहनती थी। अब बुरका पहन के जॉब कैसे हो पाए? तो ये देखो आप लोग पूरा व्यू, यहाँ पे लाइट वो हो रही थी ना इसलिए वीडियो ऐसी हो रही है। तो आगे आप लोग देखना, और पूरा ये है ना पिक के लिए बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत लोग जब मेला पूरा था ना इतने लोग घूमने आते थे, बहुत ज़्यादा घूमने। और बारिश आने वाली है तो इस वजह से है ना अब मेला ख़त्म होने मतलब बंद होने वाला है, क्योंकि लोग अब आएंगे नहीं ज़्यादा घूमने बारिश की वजह से। तो ये देखो आप लोग पूरा व्यू, और सामने लिखा है आई लव MP। तो यहाँ हम दोनों हैं तो कह रहे थे सेल्फी ले लो, तो शिफा सेल्फी भी ले रही थी और प्लस वीडियो भी बना रही थी। ये है आकाश झूला, और ये भी बताना आप लोग ये क्या है, और सामने लिखा आई लव सतना। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और मेले के बाद तो और ज़्यादा इन्जॉय किए थे। क्या हुआ कि मैं चला रही थी गाड़ी, और रात के समय में है ना मुझे थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि बचपन से मेरे आँख में प्रॉब्लम थी इस वजह से। तो इतनी मस्ती की हम लोगों ने तीनों बहनें मिलके, और मज़ा भी बहुत किए। और हाँ, खाने में क्या खाए थे, सिर्फ पानी पूरी, क्योंकि ज़्यादा पेट में जगह नहीं थी, और बकरा ईद का दिन था ना इस वजह से। और भी हम लोगों ने मतलब कुछ नहीं खाया, ऑलरेडी पेट भरा था। और ये लिपस्टिक है ना, जब स्टार्टिंग में मेला लगा था तो 120 120 की थी, अब है ना 40 40 रुपीज़ की हो गई थी। तो शिफा ने एक लिपस्टिक ली न्यूट कलर की, मतलब जो ज़्यादा दिखे नहीं ऊँट में। और ये सारे इयरिंग्स आप देख रहे हो ना 40 40 रुपीज़ के थे। तो हम लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के पास बहुत सारे कान के हैं। और ये वाली जो लिपस्टिक है ना शिफा को ये पसंद आई थी, फिर मैंने चेंज करके दूसरी कर दी, मतलब ऊपर का दूसरी तरीके से। और ये मंगलसूत्र आप देख रहे हो ना, ये है ना ये 2020 के थे। और जो इस टाइम नज़र न लगने वाली पायल होती है ना, वो भी थी 20 की, और 10 10 रुपीज़ के बक्कल थे। ये आप नीचे देख रहे हो ना, ये सारे 40 रुपीज़ के थे। और साइड में और भी थे कंगन वगैरह, वो भी ऐसे ही मतलब 40 40 रुपए के मिले, मतलब दे रहे थे भैया। हम लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चूड़ी कंगन सब कुछ है, तो फिर मैंने नहीं ख़रीदा। और ये देखो आप इससे पहले वीडियो में देखे होंगे कि बहुत सारी दुकानें थी, तो और दुकानें खाली हो चुकी हैं। तो उसी भाई को ये क्लेचर लेना था,
बट फिर उसने नहीं लिया क्योंकि उसके नंग वगैरह निकले थे ना, और एक ही पसंद आया। मुझे भी एक कान का जब पसंद आई, झुमकी सी थी मल्टी कलर की, मेरे ईद के ड्रेस में मिलते हैं, तो वो भी पीछे से टेढ़ी थी, तो फिर मैंने नहीं लिया। बाकी तो अच्छी थी, सिर्फ वही बस ख़राब थी। तो इसमें से सिफा बोली थी दो में से एक बताओ कौन सी लें। तो हम लोगों ने मतलब डिज़ाइन के हिसाब से लिया और सिंपल वाली रख दी। ये देखो ये सिफा ले ली, और सिफा को लगाना था तो कह रही थी चेक कर लूँ कैसी है कि नहीं। वो वही ये कह रहे थे कि मतलब आज लास्ट है तो आप चेक कर लो कि सही है कि नहीं। तो इससे पहले जब साइन लेके गई थी रेड कलर की लिपस्टिक, तो वो 120 की मिली थी, और अभी सिपा को 40 रुपीज़ की मिली। तो हम लोग मतलब साइन को चढ़ा भी रहे थे, अब ये आगे आ गए हर माल 20 रुपीज़ में। तो मैंने घर के लिए ये 20 का सेक्शन है, साइड में था 10 का। तो ये सिपा है ना वीडियो बना रही थी, दिखा रही थी कि इससे मतलब मारने के लिए, और ये सारी चीज़ें है ना 10-10 रुपीज़ की थी। ये देखो आप लोग, तो साहिन को लेना था स्कूटी के लिए की चैन, तो वो लिए हम लोग घर के लिए। पापा के लिए कैंची लिए, और मैं ली हूँ कटर, जो धागा काटते हैं ना वो वाली कटर ली मैं, और घर में बांधने के लिए रूम में रस्सी ली क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है ना इस वजह से। तो यहाँ पे जो ये भैया लगाए थे ना पहले, इन यहाँ का भी रेट ज़्यादा था। अब आप ये सारी चीज़ें देखो, सारे 10-10 की है। पहले जब मैं आई थी तो ये कटर दे रहे थे भैया 20 रुपीज़ का, इस बार ये कटर है 10 रुपीज़ के, और ये नाइफ वगैरह सारी कुछ 10-10 की थी। जब मेला स्टार्टिंग में लगा था तो इनका रेट भी 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ अलग अलग था, बट इस टाइम है ना लास्ट डे में पूरा 10-10 रुपीज़ का था। और फिर साइन को और सामान लेना था, तो यहाँ पे साइन ली, क्लेचर ली अपने लिए, कंघी ली क्योंकि वो नगौद में अलग रूम लेके रहती है ना, कभी कभार रुक जाती है, तो उस हिसाब से। तो ये देखो आप फेसियल स्पंज वगैरह सब कुछ रखा है ना, ये आप दुकान में भी लेने जाओगे तो महंगी मिलेगी, बट यहाँ पे 10-10 रुपये की थी। ये हैंकी वगैरह सब कुछ 10-10 का था, बट हम लोग जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो लिए फिर निकल गए। और खाने की कुछ भी चीज़ नहीं लगी थी, सिपा को पिज्ज़ा खाना था तो बट वो भी ख़त्म था, छोले भटूरे वो भी ख़त्म थे। उस टाइम जब आए थे तो पूरा यहाँ भरा था, और सॉन्ग वगैरह सब कुछ हो रहा था, और लास्ट दिन की वजह से ये ख़त्म। और आज मेरा लास्ट दिन मायके का भी है, और मेले का भी लास्ट दिन है आज। तो ये देखो सिर्फ यहाँ पे पानी मिल रहे थे, जो कि अब बरसात हो गई ना तो ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती, और पहले बर्फ़ गोला सब कुछ मिल रहा था। और ये बच्चों के झूले वगैरह है ना कुछ बंद थे कुछ चालू थे, क्योंकि आप देखो पूरा खाली है। और क्या हुआ कि ये ट्रेन वगैरह जो थी ना, इनका जब पहले 70 रुपये लग रहा था, अब इनका 50 रुपये टिकट लग रही है। तो उस टाइम जब मैं आई थी तब भी मैं नहीं घूमी थी क्योंकि मन नहीं था। इनके बिना ना जैसे ये नहीं झूलते ना कभी, तो मेरा मन भी नहीं करता। अगर ये बोल देते हैं ना तो फिर हम लोग दोनों लोग झूल लेते हैं। नगौद के मेला गई थी ना मैं, तो वहाँ पे हम दोनों लोग झूले थे। तो ये देखो सारा कुछ बंद है, और अब तो निकल भी गया, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो निकल भी गया है। तो हम लोग निकल लिए हैं अब घर जाने के लिए, क्योंकि बारिश आने वाली थी, और फिर मम्मी का कॉल आ जाता 8 बज गए थे ना इस वजह से। तो आप लोगों को बाहर से भी पूरा व्यू दिखाते हैं एक बार और। तो ये देखो यहाँ से एग्जिट है, वहाँ से एंटर होने का है। तो आप लोगों को मेला कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और हम तीनों बहनों ने बहुत फ़न किया बहुत ज़्यादा। तो अब मैं जा रही हूँ पार्किंग में गाड़ी लेने। यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं है ना जब पार्किंग से गाड़ी लेके निकली तो मैं चला रही थी ना, बहुत मज़ा आया था उस टाइम। क्या हुआ था कि गड्ढे वगैरह जो दूर दूर रहते हैं ना, तो मुझे रात में ना समझ में नहीं आते, तो आधी रास्ते तक मैं गाड़ी चलाई, फिर साहिल ले रही थी। उस टाइम वीडियो इसलिए नहीं बना पाए रोड ट्रॉफिक का, और हमारे यहाँ क्या करते जैसे मोबाइल निकाल के वीडियो बनाओ ना तो बहुत चोरी वगैरह होती हैं, तो इस वजह से हम लोग नहीं बनाए थे। तो ये देखो यहाँ पर ज़्यादा पार्किंग में भीड़ भी नहीं है, और ये मेला लगा था सतना के BTI मैदान में। तो ये पार्किंग सेक्शन था यहाँ मेले का। अब एक साल बाद ही लगेगा दिसंबर में, दिसंबर के दिसंबर ये बड़ा मेला लगता है। बाकी छोटे मेले हैं ना वो हर 2 महीने 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए लगते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ अपनी स्कूटी, और अब चलते हैं डायरेक्ट घर की ओर। और ने घर जाने से पहले हम लोग आए थे पानीपुरी, और वहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि बारिश हो रही थी और भीड़ भी थी ना इस वजह से। तो ये पार्किंग आप खुद देखो इस बार कितनी खाली है, और उस बार बहुत भरी थी। तो
आ जाओ आप लोग भी सतना में घूम लो। तो यहाँ पे हम तीनों बहनें निकल जाएंगे, सिपा और मैं दोनों बैठे थे पीछे, साइन बैठी थी क्योंकि हम लोग बोल रहे थे तू बुरखा नहीं पहनी तो तू पीछे बैठ। तो ये हम लोग निकल गए और आप देखो रात। और पता है मम्मी हम लोगों को नहीं डांटती, हम लोग जैसे घूमने वगैरह जाते हैं ना तो नहीं डांटती। और मैं रॉन्ग साइड स्कूटी चला रही थी क्योंकि मुझे साइड लेना था इस वजह से। तो ये देखो आप लोग, अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट ब्रिज पुल से क्योंकि यहाँ की क्लिप लेना था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये सतना की सर्किट हाउस वाली ब्रिज है। तो ये देखो आप लोग व्यू बहुत अच्छा लगता है, अगर खड़े हो के है ना सेल्फी वगैरह लो तो यहाँ पे बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ सिर्फ अपने आप को दिखा रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा।